और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर पॉलिसी से जो दिक्कतें आ रही हैं उन्हें ठीक होने की जरूरत है। ऐसा ये रेशनलाइजेशन और जो ये दूसरी शिक्षा नीति बनाई है वो बिल्कुल जो है हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं विद्यार्थी हैं उनके हित में नहीं है। और जो भरनी चाहिए पोस्ट 38,000 टीचरों की पोस्ट खाली है वो तो भरी नहीं जा रही बल्कि स्कूल घटाए जा रहे हैं। 4,000 के करीब जो है स्कूल उन्होंने घटा दिए। आज वहाँ ना कोई शिक्षक है ना कोई इंग्लिश का है ना हिंदी का है ना उसका है तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ड्रग्स को लेकर भी सवाल उठाए। ड्रग्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जो वाकई हरियाणा के लिए ठीक नहीं है। आज हर गांव हरियाणा ये जो आतंकवादी हैं या कोई ऐसा है जो ड्रग में इन्वॉल्व है वो तो पकड़े जाने चाहिए। आज हर गांव हरियाणा में जहाँ ड्रग का नामो निशान नहीं था गाँव ड्रग का वो हो गया। अब देख रहे हैं ये रिहेबिलिटेशन सेंटर का वो देख रहे हैं 8 साल के बाद। पहले तो यहाँ था ही नहीं ये। पहले तो यही काम करना चाहिए। पहले जो मुखिया हैं जो ड्रग पेडलर्स हैं जो ये ड्रग का काम कर रहे हैं इतनी तादाद में ड्रग आ रही है उसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए।